नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स और मैं हूं आपके साथ स्वाति। हर साल 14 अप्रैल को भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जाती है। इस दिन को भारत में समानता दिवस और ज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। रीवा में भी बाबा साहेब की 132वीं जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। इस दिन कई कार्यक्रम आयोजित हुए, साथ ही शहर में बाइक रैली निकाली गई। भीमराव अंबेडकर का जीवन काफी संघर्षपूर्ण और प्रेरणादायक रहा है। अंबेडकर साहब ने भारत की स्वतंत्रता के बाद देश के संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इन्होंने न केवल पिछड़ा वर्ग के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी, बल्कि यह एक समाज सुधारक भी थे, जिन्होंने पक्षपात और जाति व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई। हर साल अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल को मनाई जाती है। इस दिन की शुरुआत जनार्दन सदाशिव ने की थी। 14 अप्रैल 1928 को पुणे में पहली बार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई थी, जिसके बाद अब पूरे देश में अंबेडकर जयंती मनाई जाती है। शुक्रवार को रीवा में भी बाबा साहेब की 132वीं जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। स्थानीय श्याम शाह मेडिकल कॉलेज के ऑडिटोरियम में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान बाबा साहेब को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। अंबेडकर जयंती के मौके पर वाल्मीकि समाज द्वारा उनकी शोभा यात्रा के साथ बाइक रैली खैरी बस्ती निपनिया से निकाली गई, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए श्याम शाह मेडिकल कॉलेज के ऑडिटोरियम पहुंची, जहां पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर नमन किया गया। कहां से कहां तक रैली निकाली, क्या तात्पर्य, किस वजह से मनाया जाता है? 14 अप्रैल 2023 को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की 132वीं जयंती है। मध्य प्रदेश महावाल्मीकि पंचायत, हम लोग खैरी से हर साल रैली निकालते हैं। साल भी खैरी नई बस्ती माध्यमिक विद्यालय से निपनिया होते हुए, फोर्ट रोड होते हुए, प्रकाश चौराहे सिल्वी प्लाजा से आज श्याम साय मेडिकल ऑडिटोरियम में उपस्थित हुए हैं। यहाँ पर बाबा साहब का 132वीं जयंती के समारोह पर आज सांस्कृतिक कार्यक्रम, नाटक कार्यक्रम और हमारे अजास के प्रदेश महामंत्री सीएल सूर्यवंशी जी मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर पधार रहे हैं, और सभी संगठनों के लोग इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं। सभी समाज के लोग इसमें सम्मिलित हुए हैं, लेकिन आज कोई सामाजिक और कोई ऐसी बात नहीं है। सभी बाबा साहब के अनुयायी है, जो पूरे विश्व में, पूरे 200 देशों में बाबा साहब की जयंती मनाई जाती है। ये विश्व की सबसे बड़ी जयंती है। जो बाबा साहब को, जो बाबा साहब के अनुयायी होते हैं, वो भगवान की तरह और उनसे भी बड़ा दर्जा प्राप्त करते हैं, और लोग उनकी जयंती को मनाते हैं। आज कार्यक्रम में, इस जयंती में बहुत हर्ष। आज हम अजास के द्वारा पूरे प्रदेश में, हर ज़िले में, हर तहसील ब्लॉक में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती हम लोग धूमधाम से मना रहे हैं। सर्वप्रथम हम सभी देशवासी, प्रदेशवासी एवं अजास के साथियों को अंबेडकर जयंती की शुभकामनाएं देता हूं। और आज जैसा सभी लोग जानते हैं कि विश्व में यदि ज्ञान के प्रतीक थे तो बाबा साहब, मानव को मानव की इज्जत देने वाले थे बाबा साहब, और इस देश को एक सूत्र में बांधने वाले थे बाबा साहब, ऐसे जो मानव को मानव बनाया, और सिंबल ऑफ नॉलेज कहा जाता है, जो देश में नहीं विश्व में जाने जाते हैं, और एक ऐसे नेता, ऐसे महापुरुष है कि जो है पूरे वर्ल्ड में इनको जाना जाता है और एक आदर्श माना जाता है। ऐसे महापुरुष की हम लोग आज जयंती मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। पुनः हम सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को अंबेडकर जयंती की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। SL सूर्यवंशी, प्रांतीय महासचिव।